टॉप 5 बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन्स अंडर 12,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने लिए इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, या फिर यू कहें कि आपको एक परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए जहां पर बेटर स्पेसिफिकेशंस हो, दमदार फीचर्स हो, तगड़े कैमराज हो, लंबी चलने वाली बैटरी और 5G का सपोर्ट। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लावा का स्ट्रोम 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर ग्लास बिल्ड के साथ में मिलता है। जी हाँ, फ्रंट और बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लास का सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 9mm की थिकनेस और 218 ग्राम वेट के साथ में आता है। सो देखा जाए तो फोन थोड़ा सा बल्की है, बट गाइस यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे दिए गए। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल, 580 निट्स की ब्राइटनेस। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और अच्छी बात है कि ये फोन वाइड बैंड L1 के सपोर्ट के साथ में आता है, तो आप यहाँ पर एचडी कंटेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे भाई, तो अगर आप 5G स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो इस फोन के बैक में आपको दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और बाकी के सारे यूजलेस सेंसर यहाँ पर आपको नहीं दिए गए। फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर जो कि पंच होल के साथ में आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल दोस्तों, फोन का कैमरा सेटअप तो अच्छा है, लेकिन अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी थोड़ी सी डिसेंट टाइप की मिलती है, जिसे आप अबो एवरेज कह सकते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS, तो ये काफी अच्छी बात है। सो कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन आपको अबो एवरेज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट, और यहाँ पर आपको आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिल जाता है। और गाइस, ये चिपसेट काफी अच्छा है क्योंकि ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 4.4 लाख के आसपास स्कोर भी करता है। सो देखा जाए तो आप यहाँ पर मीडियम से लेकर के हाई लेवल तक की सेटिंग पर गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। सो प्राइस पॉइंट को कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, और यहाँ पर अगर हम यूजर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से निकाल कर देगी। साथ ही साथ ये फोन 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। सो बैटरी मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बस दोस्तों, यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया गया है, जबकि एंड्रॉइड 14 काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही मेजर अपडेट मिलेगा, यानी कि एंड्रॉइड 14 का अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और 2 साल के आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला काफी अच्छा पैकेज है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रियलमी की तरफ से रियलमी का 12X। बात करें फोन की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों, डिजाइन और लुक आपको रियलमी 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ फोन 7.9mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा IP54 की रेटिंग दी गई है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंच की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर है, और यहाँ पर आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। इन सभी के अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है।
फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप देखा जाए तो फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। रही बात लो लाइट की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,18,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक अच्छे स्कोर है। तो डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, आपको यहाँ पर LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, लेकिन आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है UI का 5.0। और साथ ही साथ यहां पर रियलमी ने यह भी प्रॉमिस किया कि आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन सभी 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, यहां पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए। बट दोस्तों आपको यहाँ पर ICICI, HDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपए तक का ऑफ मिल रहा है। तो इफेक्टिवली अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को 11,000 रुपए कीमत पर परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर ज्यादा रैम चाहिए तो आप स्मार्टफोन के 6 और 128 वाले वेरिएंट को भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 13,499 रुपए की कीमत पर। ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और अगला स्मार्टफोन हम रखा हुआ यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो G34 5G। बात करें इस फोन की तो डिजाइन आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसा ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर वेगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 8mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स के साथ में आता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग की, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे थोड़ी सी डिसेंट है। अगर यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी होती। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर को एनहेंस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स और काफी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपनी फोटो क्वालिटी को और एनहेंस कर सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एचडी की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 619 का GPU। और अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। और इसी के साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छा फोन है। अब बात करते हैं पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है और 20 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिलती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जिसके आउटपुट दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया और आपको यहाँ पर एक साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, साथ ही IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन VoNR के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आप यहाँ पर 5G पर वॉइस कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपए, वहीं पर स्मार्टफोन के 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपए। चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी F15 की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि 9.3mm की थिकनेस और 217 ग्राम का है, तो थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की जरूर है, लेकिन यहाँ पर बैटरी भी ज्यादा दी गई है, जिस वजह से स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवियर साइड देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपको बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी, और साथ ही 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट भी आपको दिया गया है। हालांकि यहाँ पर पंच होल डिजाइन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी वो आपको काफी कमाल की मिलती है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है दोस्तों कि फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है, और यहाँ पर आपको डे लाइट साथ साथ लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 FPS, और यहाँ पर आपको जायरो EIS का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही आपको यहाँ पर VDIS यानी कि वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियोस है वो भी ब्लर नहीं होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर डिजिटल स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, और दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑन द पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर अप टू 40 FPS तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलने वाली है। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है, बैटरी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड 1 UI 6 पर रन करता है, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 4 साल तक के मेजर अपडेट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 18 तक का सपोर्ट मिल जाएगा, तो 4 साल के लिए तो नो टेंशन, और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी नॉक्स सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, सो आपको यहाँ पर 5G यानी कि फ्यूचर के लिए भी कोई टेंशन नहीं आने वाली। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपए, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला वेरियंट भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 14,999 रुपए की कीमत पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च वीवो का T3X5G। बात करें इस फोन की, तो दोस्तों ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि पिछले वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है, और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई, और अच्छी बात यह है कि वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती, जो कि और भी अच्छी बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती है, फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड दिए गए, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OIS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम Vivo T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm Snapdragon 6th Generation 1 का चिपसेट, और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला है काफी कमाल का चिपसेट है। ये औंधतु पर लगभग 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही आपको यहाँ पर एड्रेनो 710 का GPU देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको 6000mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है, और हाँ भाई, वीवो की तरफ से काफी बड़ी बात है। साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है, और हाँ आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया, और हाँ आपको यहाँ पर ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में, तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस्ड फन टच OS 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटर्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर iQOO का Z9X भी देख सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन और सेम फीचर्स के साथ में मिलता है। और अच्छी ये बात है कि आपको ये स्मार्टफोन 500 रुपए सस्ता ही मिल जाएगा, सो अगर आप iQOO पर ट्रस्ट करते हैं तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।